वैसे कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, अरे भाई ऐसी कोई मशीन बताओ जो सीवीडी टेस्ट करे, जो एचपीएससी टेस्ट करे, जो मोजनेट टेस्ट करे, जो सीजेड भी टेस्ट करे। मैंने कहा एक ही मशीन है और उसी मशीन के बारे में मैं आज आपको ये वीडियो में बताने वाला हूं। हेलो, हाय, वेलकम और नमस्ते। मेरा नाम है चंदन हांडा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे मशीन के बारे में जिसका नाम है स्मार्ट प्रो ऑरा और वो मशीन है जर्मनी की। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी मशीन के बारे में जो वन स्टॉप सॉल्यूशन का डेफिनेशन है। ये मशीन ऐसी है कि आपको कहीं पे भी लैब में जाने की जरूरत नहीं है, लैब आपके पास खुद आपके ऑफिस में पड़ा होगा। मशीन का नाम है स्मार्ट प्रो ऑरा। नाम छोटा है ऑरा, लेकिन काम बहुत बड़ा है क्योंकि इसके अंदर सारे टाइप्स डिटेक्ट हो जाते हैं, एचपीएसटी, सीवीडी, नेचुरल, मोजनाइट और सीजेड भी। मतलब हमें कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ मशीन की जरूरत है। वाओ, और वो भी एज कंपेयर टू दूसरी मशीन्स बजट में। ये सबसे खास बात है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ऑफकोर्स जो मैं हमेशा बताता हूं, इसके बॉक्स में क्या क्या आता है, मशीन कैसे यूज करते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स इतने सारे हैं कि शायद मुझे पानी की बॉटल लेकर बैठना पड़े क्योंकि मेरा गला सूख जाएगा, इतने फीचर्स हैं। और कुछ चीजें रेडी रखी हुई है आप ही के लिए ताकि आपको दिखा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो स्मार्ट प्रो ऑरा के लिए। इसके बॉक्स में आता है ये मशीन खुद, और मशीन को कैरी करने के लिए ये ग्रे कलर का ड्यूरेबल बैग, मतलब आप इसको कहीं पे भी इतने छोटे से बैग में लेकर जा सकते हैं, कहां पे भी ट्रैवल करो टेंशन ही नहीं, आपके हाथ में लैब है। सो इसके साथ में आता है ये चार ट्रेस। ट्रे नंबर 1 इज फॉर स्टडेड ज्वेलरी रिंग्स के लिए, इसके जो सेक्शन है वो बने हुए हैं। एक है लूज टोन के लिए जो प्लेन बैकग्राउंड में है, मतलब इसका जो ये सरफेस है वो एकदम प्लेन है। तीसरा ट्रे आता है जो लूज टोन्स के लिए है बट इसके सरफेस में मार्किंग्स दी हुई है, वो क्यों दी हुई है ऑफकोर्स मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ में एक और ट्रे आता है लूज टोन ट्रे बट फॉर सेपरेटेड मोड। ये चार ट्रेज आती है हमारे बॉक्स के साथ और चार अटैचमेंट्स, मतलब दो अटैचमेंट्स है बैंगल्स के लिए, ब्रेसलेट्स और कोई भी सर्कुलर ज्वेलरी के लिए, और ये दो अटैचमेंट्स दिए गए हैं फॉर रिंग्स, अगेन अ स्टडेड ज्वेलरी अटैचमेंट। अब ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो दो क्यों दिए हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके साइजेस डिफरेंट है, मतलब अगर आपकी जो ज्वेलरी है वो अगर बड़े साइज में है तो उसके लिए भी अटैचमेंट है, छोटे साइज के लिए तो उसके लिए भी अटैचमेंट है, सेम गोज फॉर रिंग भी। सो आप इसमें कोई भी ज्वेलरी हो या कोई भी लूज स्टोन हो, आप इसमें एक ही बार में 7 सेकेंड्स फ्लैट में इसको स्कैन कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बॉक्स के बारे में तो बता ही दिया, आपको मालूम ही होगा इसमें यूजर गाइड मैनुअल आता ही है, और मैं क्या करूंगा, आपको आपकी आवाज नहीं आएगी मुझे, मैं आपको गाइड करूंगा पूरा ए से लेकर जेड तक ये मशीन को कैसे यूज किया जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक लूज स्टोन ट्रे से, जो मैं ये है, और मैं ये ट्रे में कुछ स्टोन्स डाल के रखे। अब कुछ स्टोन्स जो है वो मैं ट्रे में फैला कर रखूंगा, मैं इस बात का ध्यान दूंगा कि कोई भी स्टोन एक दूसरे के ऊपर ना आए, क्योंकि इसके अंदर है यूवी रेस, यूवी रेस की लाइट, अगर एक बार यूवी रेस पड़ती है स्टोन पे ऊपर से जब गिरती है, वो स्टोन एक दूसरे के ऊपर रहा तो आपको ही डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होगा। सो इट्स बेटर आप जितना हो सके स्प्रेड करके फैला के स्टोन को रखिए ट्रे में, और स्टोन को फैलाने के बाद इस ट्रे को आराम से इस मशीन में डाल दीजिए। अब बेसिक ये है कि अब ये जो स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑन कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। अब यहां पर पीछे एक सेफ्टी स्विच दिया हुआ है ऑन एंड ऑफ का, इस तरफ
एक ब्लैक बटन दिया गया है फॉर द मोबाइल ऑन एंड ऑफ, क्योंकि इसके अंदर एक हाई एंड स्मार्टफोन इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जिसमें आपका ये मतलब ऐसा कोई नॉर्मल मोबाइल फोन नहीं है जो आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। ये मोबाइल के अंदर के जो भी सॉफ्टवेयर है उन्होंने उनको इस तरह से मॉडिफाई किया है, इस तरह से प्रोग्राम किया है कि ये सिर्फ ये मशीन के लिए चल सकता है। सो इसके अंदर बनाया है हाई एंड स्मार्टफोन इंस्टॉल करके रखा है। सो जो स्मार्टफोन है उसका ऑन एंड ऑफ बटन है ये ब्लैक बटन, और मशीन का ऑन एंड ऑफ बटन है ये पीछे का सेफ्टी स्विच। अब मैंने ये प्रेस करके रखा फॉर 2 to 3 seconds और मोबाइल स्टार्ट हो गया, मशीन तो यहाँ पे पीछे ऑन करने से चालू हो गया। ये तीन है इंडिकेटर लाइट्स, मतलब ये ग्रीन लाइट इंडिकेट करता है कि मशीन चालू है, पावर ऑन है। ये डोर का लाइट इंडिकेट करता है कि अगर ये जो इसका आगे का डोर है वो अगर ओपन होता है तो ये लाइट चालू हो जाएगी। लाइट चालू हो जाएगी मतलब आपका डोर खुला है, लाइट बंद हो जाएगी मतलब आपका डोर बंद हो गया है। और लैंप का जो लाइट है ये लाइट उसके लिए है जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये यूवी रेस थ्रो करता है मशीन, और यूवी रेस जब थ्रो करता है तब ये लाइट इंडिकेट करता है कि आपका मशीन स्कैनिंग के अंदर। तो इस तरह से आप आपके स्टोन की या फिर स्टडेड ज्वेलरी की टेस्टिंग कर सकते हैं। अब फॉर द बिगिनिंग मैं आपको बताता हूं कि लूज स्टोन का टेस्टिंग कैसे होता है। ये देखिए मैंने डोर ओपन किया, मैंने लूज स्टोन का ट्रे ध्यान से उठाया, इसको इस तरीके से अंदर प्लेस कर दिया और स्लाइड इन कर दिया। स्लाइड करने के बाद मैंने डोर बंद किया, ये एक शूट का बटन है, कैमरा जैसा एक बटन है, उसको प्रेस किया और क्विक टेस्ट पे मैंने क्लिक किया। अब ये मशीन 7 seconds के अंदर, फ्लैट 7 seconds के अंदर पूरे ट्रे में कौन सी चीज क्या क्या है वो बता देगा, नेचुरल सीवीडी, एचपीएसटी, सीजेड, मोजनाइट, सब कुछ। ये देखिए हमारा टेस्टिंग हो चुका है और रिजल्ट आ गए हैं। अब आप देखेंगे तो ये जो स्टोन है जिस पर रेड मार्किंग है वो स्टोन है हमारा सिंथेटिक डायमंड। ये मशीन सिंथेटिक डायमंड्स के लिए तो बेस्ट है ही, बाकी सारे डिटेक्शंस के लिए एकदम बेस्ट है। अब रेड उसने मार्क कर दिया है कि ये सिंथेटिक है। पहले ही टेस्ट होने के बाद स्क्रीन पे जब स्टोन ब्लू कलर का हो जाए, जब स्टोन ब्लू कलर का हो जाए पहले ही स्क्रीन पे, मतलब वो नेचुरल डायमंड है। अब रेफरेंस चार्ट में ब्लू के शेड्स दिए हुए हैं, ये ब्लू के शेड्स मुझे हेल्प करेंगे कलर मैच करने में। अच्छा ये वाला कलर कैसे मैच हो रहा है, अच्छा ये नेचुरल डायमंड। सो आपको क्या करना है, सिर्फ चार्ट रेफर करना है, और कुछ टाइम बाद जब आपको मशीन की आदत पड़ जाएगी आपको चार्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो आप टेस्ट करेंगे पहले ही स्क्रीन पे कि ब्लू कलर जो भी है वो नेचुरल डायमंड है और रेड कलर जो भी है वो है सिंथेटिक डायमंड। ये बात ध्यान में रखिएगा, पहले स्क्रीन पे जो रेड कलर आया वो सिंथेटिक। अब मुझे जानना है कि ये रेड कलर के जो सिंथेटिक डायमंड है वो सीवीडी है या एचपीएचटी है। उसके लिए मशीन में दो बटन डेडिकेटली दे दिए हैं, एक सीवीडी के लिए दे दिया है, एक एचपीएचटी के लिए दे दिया है। सो फॉर स्टेप वन आप क्या करेंगे, आप फॉस करके एक बटन है फॉस, उस पर क्लिक करेंगे। अब फॉस बटन पे जो भी स्टोन दिख गया हमारे टेस्टिंग स्क्रीन पर, एनी स्टोन विच इज विजिबल ऑन दी फॉस स्क्रीन वो है हमारा एचपीएचटी स्टोन। ये हो गया कंफर्म 100%। इसके बाजू में एक बटन है लॉन्ग फॉस, मतलब मशीन कुछ सेकंड्स के लिए यूवी लाइट फेंकता है, कुछ सेकंड्स के लिए जब फेंकता है तो वो पहले फेंकते ही फोटो लेता है और उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद वो फोटो एक और लेता है लॉन्ग फॉस के लिए। मतलब एचपीएचटी का एक प्रॉपर्टी है कि अगर उस पर यूवी रे फेंका जाए तो यूवी रे कुछ सेकंड्स तक उस स्टोन के अंदर ही सस्टेन करता है। सो आप कुछ सेकंड्स के बाद जब एक फोटो खींचती है मशीन तब उसमें दिखा देता है कि लॉन्ग फॉस में जो भी स्टोन दिख गया अब तो वो 100% कंफर्म हो गया कि वो एचपीएचटी डायमंड है। अब ये हो गया हमारा एचपीएचटी का बटन। इसके बाद आता है अपना सीवीडी का बटन। अब सीवीडी के लिए अलग से बटन दे दिया है, उस बटन का नाम है फ्लुओ, जिसका फुल फॉर्म है फ्लोरोसेंस और फॉस का फॉस्फोरोसेंस। फ्लुओ पे मैं जब क्लिक करता हूं और फ्लुओ पे मुझे कोई भी स्टोन
मल्टी कलर दिखे। मल्टी कलर यानी जैसे कि ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, येलो, ऐसे कुछ मल्टी कलर दिखे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इसमें से सीबीडी कौन सा है। बिकॉज पहले स्क्रीन पे जो रेड हुआ उसी को हमें ध्यान रखना है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे फॉस पे क्लिक करना है और उसके नेक्स्ट स्टेप में हमें फ्लूओ पे क्लिक करना है। ये हो गया हमारा टेस्टिंग खत्म। अब आप सोचेंगे कि अरे आपने तो बोला था कि सीजेड और मोजनाइट भी बताता है, तो बताएगा ना, क्यों नहीं बताएगा। ये देखिए, मोजनाइट तो पहले ही स्क्रीन पे बता देता है, यानी जो स्टोन पहले स्क्रीन पे गायब हो गया, गायब, वो है मोजनाइट, ध्यान में रखिएगा। तो हमारा हो गया मोजनाइट जो पहले ही स्क्रीन पे गायब हो जाएगा, सीबीडी जो मल्टी कलर आएगा फ्लूओ के बटन पे, एचपीएसटी जो फॉस्ट और लॉन्ग फॉस्ट में दिख जाएगा वो एचपीएसटी, और नेचुरल जो पहले ही स्क्रीन पे ब्लू कलर में आ जाएगा। अब बचा हमारा सीजेड। सीजेड को आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीजेड जो होते हैं ना, वो सीजेड स्टोन के बॉर्डर में लाइट थ्रो करता है और सेंटर में ब्लैक हो जाता है। यानी जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो पहले ही स्क्रीन पे आपको नेचुरल, सिंथेटिक, सीजेड और मोजनाइट मालूम पड़ जाएगा। तो ये हो गए आपके सारे के सारे इंडिकेशंस कि कैसे स्टोन्स को पता लगाया जाए। अब आते हैं इसके दूसरे फीचर्स पे। अब ये तो मेरा हो गया टेस्टिंग, अब एक साथ में एक ट्रे में कितने स्टोन्स जाते हैं अंदाजा आप सब समझ सकते हैं। कम से कम 15 से 20 कैरेट तो एक ही साथ में स्टोन ये ट्रे में चले जाते हैं। अगर आपका ज्यादा है लॉट, आप दो बार में करके डाल सकते हैं, नो इश्यूज। अगर ज्यादा लॉट है और आपने स्टोन्स फैला कर रख दिए लेकिन उनके बीच में से कुछ कुछ स्टोन रेड मार्क हो गए, तो आप निकालेंगे कैसे? कोई बात नहीं, पहली बात तो ट्वीजर तो आप सबके पास होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एयर ब्रांड का अच्छा ट्वीजर है, लेके देखिए मजा आएगा, मैं भी ये यूज करता हूँ। और मैं जैसे ही स्ट्रे को बाहर निकालूंगा इस तरह, तो मैं अपने जो रिजल्ट स्क्रीन है उसको मिसअप नहीं कर रहा हूं। मतलब जब मैं ट्रे निकाल भी देता हूं तब जो हमारा रिजल्ट स्क्रीन है वो कहीं पे भी नहीं जाएगा, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं जूम इन कर सकता हूं और इसका जूम इन मैग्निफिकेशन इनटू 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स तक आप जूम कर सकते हो तो आपको स्टोन बहुत क्लियरली दिखेगा, अगर वो 1 सेंट का भी हो तो भी। तो मैंने जूम इन किया, मैंने देखा अच्छा ये C1 के बाद में जो है वो है D1, ठीक है D1, ये रहा D1। मैं ट्रे के अंदर मार्किंग मैच करूंगा और D1 को उठा के रख दूंगा साइड में। अब सबसे खास बात ये है, अगर आप देख सकते हैं तो इसके ट्रे में सेक्शंस बने हुए हैं, अदर, HPHT, CBD, डायमंड फॉर टेस्ट 1, फॉर टेस्ट 2। अगर आप टेस्ट 1 से संतुष्ट नहीं है तो टेस्ट 2 है, टेस्ट 2 में आप संतुष्ट नहीं है तो टेस्ट 1 फिर से आप वापस कर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। आप कितनी बार भी कीजिए, आपकी मशीन है अगर आप खरीदते हैं तो टेस्ट 1 हो या टेस्ट 2, आप जब भी चाहे उसको टेस्ट करके उसके सेक्शंस में प्लेस कर सकते हो स्टोन, करेक्ट। अब आती है हमारी बारी आगे फीचर की। अब इस लूज स्टोन को मैंने जब टेस्ट कर लिया, मुझे मेरे क्लाइंट को इसका रिपोर्ट भेजना है, कैसे भेजूं? तो ये इकलौती ऐसी मशीन है जो इनबिल्ट सर्टिफिकेट भी बनाती है, और ये सर्टिफिकेट 100% ऑथेंटिक होती है। क्यों? क्योंकि ये सर्टिफिकेट को कोई भी एडिट नहीं कर सकता है, आप जो डिटेल्स डालेंगे वही डिटेल ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट में छप के आ जाएगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हाँ मैं तो कोई भी डिटेल डाल सकता हूं, नहीं, ये जो रिजल्ट स्क्रीन है वो सर्टिफिकेट में साथ में लग के आती है, तो आपका जो रिजल्ट इमेज है वो सर्टिफिकेट में लग के आएगा और साथ में लिख के आएगा कि रेड स्टोन्स जो भी मार्क हुए हैं वो सिंथेटिक डायमंड्स है। तो आप भले कुछ भी लिखे, कस्टमर को तो लिखा हुआ पढ़ने को होगा ही कि जो रेड मार्किंग है वो सिंथेटिक डायमंड्स है। इसके लिए आपका ये जो फीचर है, ये देखिए, अब मैंने बैक बटन प्रेस किया, सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, मैंने मेरे क्लाइंट के डिटेल्स डाले, ओके प्रेस किया और मेरा सर्टिफिकेट रेडी। सर्टिफिकेट में मैं क्लिक करूंगा और ये देखिए रिजल्ट इमेजेस के साथ आपको आपका सर्टिफिकेट रेडी मिलेगा। अब आप बोलेंगे यार ये सर्टिफिकेट क्या है, कुछ ऑथेंटिसिटी होना चाहिए कि नहीं? डोंट वरी,
ये जो सर्टिफिकेट है या ये जो मशीन है ना, वो DPA यानी डायमंड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में रजिस्टर भी की गई है और टॉप रैंक भी की गई है। सो सर्टिफिकेट बनाना आपके लिए ऐसा आपको लगेगा कि छोटी बात है, लेकिन डायमंड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में अगर ये मशीन रैंक हुई है इसके सर्टिफिकेशन के साथ, यार कुछ तो बात होगा ना, कुछ तो बात होगा ना। तो ये जो है सर्टिफिकेट आप ईमेल या प्रिंटआउट दोनों के जरिए निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ एक वाईफाई प्रिंटर लगेगा जो इस बॉक्स के साथ नहीं आता है, एक प्रिंटर लगेगा जो आपको अलग से लेना है, और इसको इस मशीन के साथ कनेक्ट कर देना है। और अगर आपका वाईफाई है घर पे या ऑफिस में, तो आप वाईफाई से मशीन को कनेक्ट कीजिए, यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक कीजिए और आपका सर्टिफिकेट डायरेक्ट मेल पे पहुंच जाएगा। तो आपके पास ये सारी फैसिलिटीज है। अब हुआ है अपना एक फीचर खत्म, तो अगर आपको पानी पीना पानी पी लीजिए, बट मैं जा रहा हूं अगले फीचर पे। ये तो हो गया हमारा एक फीचर जो इस मशीन का है। अब आप देखेंगे कि मेरे पास यहां पर एक स्टडेड ज्वेलरी है। स्टडेड ज्वेलरी के लिए भी ये मशीन बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत एक्यूरेट। सेम प्रोसेस, मैं डोर ओपन करूंगा, ट्रे इंसर्ट करूंगा, बंद करूंगा, शूट एंड क्विक टेस्ट, एंड अगेन ओनली 7 seconds, 1 2 3 4 5 6 7 एंड वी आर डन। ये देखिए, अब इस रिंग में अगर आप देख सकते हैं तो ऊपर वाली और नीचे वाली रो जो है वो हो गई है रेड कलर में मार्क, यानी मेरे जो 3 rows है रिंग के उसमें से ऊपर और सेकेंड जो डायमंड का रो है वो करेक्ट सिंथेटिक डायमंड्स है। अब सिंथेटिक में मेरा पहला स्टेप है, मैं फॉल्स पे क्लिक करूंगा। अच्छा, ये जो नीचे वाली रो है मुझे दिख रही है फॉल्स में, मतलब ये हो गए HPST डायमंड्स। लॉन्ग फॉल्स में दिख रहे क्या? हाँ दिख रहे हैं, ये कंफर्म हो गया कि HPST है। अब मैं दूसरे स्टेप में क्लिक करूंगा फ्लुओ पे। फ्लुओ में जो भी डायमंड्स मुझे मल्टी कलर दिख रहे हैं वो है CVD डायमंड्स। बट पहले स्क्रीन पे तो बीच वाली रो ब्लू में मार्क हो गई थी, उसका मतलब क्या? करेक्ट, उसका मतलब वो है नेचुरल डायमंड्स। ये हो गए हमारे आइडेंटिफिकेशन, ज्वेलरी हो या लूज स्टोन हो, आपके लिए दोनों ही है पॉसिबल। अब ये देखिए, अब ये मैं ट्रे बाहर निकालूंगा और जिसने भी रिंग मैंने खोलूंगा जैक नेचुरल डायमंड डाल के दे। एनीवेज, अब मैं आपको एक और फीचर बताने वाला हूं जिसका नाम है 360। अब आपको ये दिख रहा है ये अटैचमेंट और ये अटैचमेंट। अब मेरी ये जो रिंग है मुझे पता है कि HPST डायमंड से बनी है, बट इस अटैचमेंट का क्या फायदा? अगर मेरी रिंग पूरी स्टडेड होती, पूरा जो रिंग है वो अगर स्टडेड होता डायमंड से स्टोन से, तो मैं इसको अंदर इंसर्ट करता और 360 डिग्रीज में ये पूरा अटैचमेंट घूमता और ये मशीन 4 phases में पूरी रिंग को स्कैन कर लेता। मतलब एक फेज में 7 seconds लगते हैं, 4 phases में 7 poses, बहुत ही बचकाना सवाल, 28 seconds में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 seconds में आपका ये पूरा रिंग स्कैन हो जाता। आप एक एक देखने बैठते उससे अच्छा तो आधे मिनट में आपका रिंग स्कैन हो जाता, जिससे आपको पता चला कितनी काम की मशीन है, बहुत काम की है। तो इस तरीके से मैं रिंग अंदर इंसर्ट करूंगा और सेम प्रोसेस मैं डोर ओपन करूंगा, बैक बटन प्रेस कर देता हूं और ये जो आप नॉब देख रहे हैं ये मैग्नेटिक नॉब, आप जैसे इस पे प्लेस करते ये पकड़ लेता है, करके पकड़ लेता है। अब मैंने रिंग को अंदर प्लेस कर दिया है, सेम प्रोसेस शूट एंड नाउ वी वोंट प्रेस क्विक टेस्ट, हम क्विक टेस्ट पे नहीं करेंगे, हम 360 डिग्रीज का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। अब यह मशीन लेगा 30 seconds और 30 सेकंड्स में आपको चारों फेजेस में बता देगा कि ये अंदर से घूम, अगर आप ध्यान से अभी देखेंगे तो ये देखिए अभी अंदर से पूरा जो अटैचमेंट वो घूम रहा है, वो घूम के पूरा 360 डिग्री को स्कैन करेगा और तो उसका रिजल्ट आपको बता देगा। 4 phase के 4 अलग सर्टिफिकेट भी बनेंगे कि आपको तीसरे सर्टिफिकेट में सिंथेटिक दिखाए, तो आप पूरा सर्टिफिकेट क्यों भेज देंगे? आप ये सर्टिफिकेट से भेजकर बोलिए ये सिंथेटिक है, उस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। अब इस मशीन के बारे में मैं आपको और चीजें बताना चाहता हूं। ये मशीन 1 year की इंटरनेशनल वारंटी के साथ आता है,
स्मार्ट प्रो एक ऐसी कंपनी है जो जर्मनी की कंपनी है और इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है थाईलैंड में। थाईलैंड में इसी के लिए होता है ताकि इसका जो कॉस्ट है वो काफी कम लेवल पर रहे। अदरवाइज जो दूसरी मशीन है वो काफी एक्सपेंसिव आता है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 लाख रुपया। सो आप ये सारी की सारी फीचर्स हमारे ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख ही सकते हैं और वेबसाइट का लिंक भी है, मैं आपको उसमें डाल के दे दूंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बट हमारा 30 सेकंड हो गया है पूरा। अब ये देखिए, अब मेरी रिंग के बारे में मुझे मालूम पड़ गया। मैं जैसी स्क्रीन पे टैप करता हूं तो चार फेसेस दिखाता है। फर्स्ट 90 डिग्री, 180, 270, चारों फेसेस में से मुझे कोई भी फेस देखना है, मैं क्लिक करूंगा और उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। ये देखिए, समझ रहे हैं? सो इट इज वेरी इजी कि रिंग में कोई भी पोर्शन पे आपको कुछ भी डाउट मिला, आपको वो चीज पता लग जाएगी। अब ये रिंग में मुझे सिंथेटिक दिख रहा है और पहले ही फेज में दिख रहा है, तो मैं पहले फेज पे क्लिक करूंगा, जूम करूंगा, ओके फाइन, ये 9 के 9 स्टोन्स है वो सिंथेटिक है। पहला स्टेप फॉस, मैं फॉस पे क्लिक करूंगा, ओके दिख रहा है फॉस में, ठीक है। लॉन्ग फॉस, लॉन्ग फॉस में भी दिख रहा है, मतलब 9 के 9 स्टोन एचपीएसटी हो गए। अब और कोई स्टोन बचा ही नहीं, तो सीबीडी के और नेचुरल के है ना। सो इसका सर्टिफिकेट बनाऊंगा और भेज दूंगा, सिंपल। ये हो गया हमारा स्टडेड ज्वेलरी 360 डिग्रीज में। अब सेपरेटेड स्टोन्स का भी एक फीचर है, जिसमें आप अगर देखेंगे तो ये ट्रे काम आती है सेपरेटेड स्टोन्स के लिए। फॉर नाउ मशीन हैज बीन प्रोग्राम टू डिटेक्ट राउंड शेप डायमंड्स, सिर्फ यही मोड में, सेपरेटेड मोड में ही ऐसा है कि आप राउंड शेप के स्टोन्स डालिए तो ये मशीन आपके स्टोन्स को गिन भी देगा, उसको सेपरेट भी कर देगा। सेपरेट मतलब अलग अलग नहीं, आपको काउंट करके, मतलब इतने डायमंड सीबीडी है, इतने डायमंड नेचुरल है, इतने डायमंड एचपीएसटी है, ये तीनों चीजें आपको अलग अलग गिन के बता देगा और इसका साइज भी बता देगा, एक अप्रोक्सीमेट साइज बताएगा आपका जो स्टोन है वो मिनिमम इस ट्रे में मिनिमम कितने साइज का है और मैक्सिमम कितने साइज का है। सो उसका भी ये फीचर है इसके अंदर। क्या स्टोन प्लेस कीजिए, अंदर इंसर्ट कीजिए, सेपरेटेड मोड, अगेन शूट पे क्लिक करेंगे, सेपरेटेड मोड, और सेपरेटेड मोड में आपको पूरा काउंटिंग करके टेबल बना देगा। और अगर आप इसका सर्टिफिकेट बनाते हैं तो टेबल भी सर्टिफिकेट के अंदर प्रिंट होके आता है। सो प्रोफेशनलिज्म का प्रोफेशनलिज्म और आपका जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी का एक्यूरेसी है। सो इट इज रियली 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 सिंपल। ये तो हो गया हमारा बेसिक वर्किंग। बट कुछ कुछ लोगों का सवाल भी होता है कि सीबीडी जो कलर फैंसी कलर डायमंड होता है उसको पकड़ता है क्या? देखिए, कंपनी रेकमेंड नहीं करता है कि ये पकड़ता है, बट मेरे पास यहाँ पे एक फैंसी कलर डायमंड है जिसको मैं अपने एयर के ट्वीजर के साथ इस ट्रे में रखूंगा। ये देखिए, और इसको टेस्ट करूंगा, मुझे पता है कि वो कौन सा स्टोन है, क्या है, आपको बताने के लिए इस तरीके से यहां पे इंसर्ट कर दूंगा, बंद कर दूंगा, सेम शूट क्विक टेस्ट 7 सेकेंड्स एंड वी आर डन। तो 7 सेकेंड्स के अंदर आपको रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। फैंसी कलर्स के लिए भी मैंने जितनी बार टेस्ट किया है हर बार रिजल्ट्स एक्यूरेट ही आए हैं। ये देखिए, पकड़ लिया, रेड कलर में मार्क हो गया हमारा डायमंड। और अब मैं पहला स्टेप फॉस पे क्लिक करूंगा, फॉस पे नहीं दिख रहा है, मतलब ये एचपीएसटी तो नहीं है, तो क्या हो सकता है? एग्जैक्टली सीबीडी। अब मैं फ्लो पे जब क्लिक करता हूं, ये देखिए, अब मैंने जैसे आपको बोला था मल्टी कलर, येलो, पिंक, ऑरेंज, ये सब कलर हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे तो येलो कलर का स्टोन मार्क हो गया है, मतलब ये हो गया हमारा सीबीडी डायमंड। और एग्जैक्टली मेरा डायमंड सीबीडी डायमंड नहीं था और इसने एग्जैक्ट एकदम एक्यूरेट रिजल्ट भी दिए हैं। So, इस मशीन में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको एक लैब आपके ऑफिस में लाके दे देगा, बजट में भी है, पॉकेट फ्रेंडली भी है, और सबसे बड़ी बात पोर्टेबल है। आप कोई भी एग्जीबिशन में जा रहे हैं, कोई भी जगह पर जा रहे हैं, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका वजन मुश्किल से 3 किलो है, आप इसको उठाइए, कहीं भी लेके जाइए, टेस्टिंग कीजिए और वापस आ जाइए, रियली सिंपल। और आपको ये प्रोडक्ट अगर हमारे वेबसाइट पे खरीदना है, आपको पता है, ऑफ कोर्स आपको पता है कि आपको ये मशीन मिलेगा
बेस्ट प्राइसेस पे हमारे वेबसाइट पे, दैट इज www.mehta.tools, इस पे आपको ये मशीन मिलेगी। आपको हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करना चाहिए मुझे लगता है, बिकॉज उसके अंदर इतने अच्छे अपडेट्स आते हैं कि यार आपको जो भी छोटी सी छोटी या बड़ी से बड़ी चीज, जैसे बोलते हैं ना पेन टू पियानो, हर चीज मिलेगी वहां। सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब जगह पे आप हमें सब्सक्राइब करके रखिए, कनेक्ट करके रखिए, ताकि मैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसी अच्छी मशीन्स लेकर आ सकूं और आपको इसके ऐसे अच्छे अच्छे फीचर्स बता सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।